भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर केपी यादव के समर्थन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्राइवेट बस स्टैंड पर आम सभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कमलनाथ पर भी निशाना साधा। योगी ने कहा कि राहुल गांधी ने अमेठी से सीट बदल ली है, अमेठी की जनता ने उन्हें नकार दिया है। नहीं आती है राहुल गांधी को, अपनी नानी याद आती है इटली में। भारत की विपत्ति के समय राहुल गांधी इटली में रहते हैं। और मैं तो सोचता था कि केवल राहुल गांधी ही झूठ बोलते हैं, लेकिन अब तो कांग्रेस की सहजादी भी बहुत झूठ बोलने लग गई है, और झूठ भी इस हद तक बोलती है। अभी उत्तर प्रदेश गई थी अमेठी में, और भाइयों बहनों अमेठी में जनता ने कह दिया कि वे कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, तो कांग्रेस के शहजादे तो चले गए केरल के, केरल में वायनाड। लेकिन श्रीमती प्रियंका वाड्रा नहीं मानी, अमेठी में घूमने लग गई। जब जनता तैयार नहीं हुई वोट देने के लिए, तो उन्होंने वहां के बच्चों को गाली सिखाना शुरू कर दिया। क्या ये भारतीय नारी को, किसी नारी को ये शोभा देता है क्या? बच्चों को अच्छे संस्कार मिलने चाहिए या बच्चों को गाली सिखाई जानी चाहिए? भाइयों बहनों, मैंने भी उनसे यही अपील की है, क्या भारत के बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे सकते तो कम से कम गाली दिखाना मत सिखाइए, गाली मत सिखाइए, और ये गाली इटली में सिखवाइए, भारत के बच्चों को इससे बचाइए।